मिश्रा जी, सर कोई बेवकूफी होगा जो इस नमक के रेगिस्तान को पार करके आने की हिम्मत करेगा। सही बोले हो मिश्रा जी, मगर ये मत भूलिए कि दुनिया की हर बड़ी जंग के पीछे कोई ना कोई बेवकूफी होता है। फिर चाहे वो दुनिया को जीतने की जिद रखने वाला सिकंदर हो या फिर कोई हिटलर, लेकिन जंग कभी भी जज्बातों से नहीं, जज्बे से जीती जाती है। सर लगता है आप सही कह रहे हैं, कोई जज्बेदार हमारी सीमा की तरफ आ रहा है। व्हाट? जिसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। लीजिए सर। ये तो कोई बच्चा लगता है। 0 पॉइंट पे चलते देखते हैं। पोजीशन। सावधान, तुम भारतीय सीमा में प्रवेश करने जा रहे हो, वहीं पे रुक जाओ। सर लगता है बेहोश हो गए। रुके सर, हमारी सीमा यहीं तक है सर। वो तो ठीक है, मगर ये बच्चा, कुछ तो करना पड़ेगा। करना क्या है सर जी, जिस मुल्क के हैं वो देखेंगे, और ये कोई पड़ोसी मुल्क की चाल भी तो हो सकती है। आप बस चलिए यहां से। नहीं मिश्रा जी, क्या फर्क पड़ता है ये बच्चा इस तरफ से है या उस तरफ से, है तो इंसान का बच्चा। I just can't leave him like this. अगर हम एक फौजी हैं, अगर हम डर गए तो सोचो दूसरे क्या करेंगे। सर कहीं आप तो नहीं जज्बातों में बह गए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि जंग जज्बातों से नहीं जज्बे से जीती जाती है। मिश्रा जी, यहाँ पे कौन सी जंग चल रही है? आप मुझे कवर दीजिए, मैं जा रहा हूँ बच्चे को लेने। एक बार फिर सोच लीजिए सर। हाँ हाँ, आपसे जो कहा गया है वो कीजिए, कवर दीजिए मुझे, मैं जा रहा हूँ बच्चे को लेने। ठीक है सर। क्या चल रहा है ये सब जनाब? फिर कोई तरकीब हमें जलील करने की? ओह, बच्चा आपके मुल्क से और तरकीब भी हम करें, कुछ तो शर्म कीजिए। ये तो वही बात हो गई कि उसामा मिले आपके यहां फिर भी आप बेगुना। देखिए जनाब, हमने हमारी आंखों से देखा आपको हमारी सरहद में घुसते हुए। कहीं आप हिंदुस्तानी कोई ह्यूमन बॉम्ब तो नहीं प्लान कर रहे हैं? तुम लोगों के लिए तो हमारे दिवाली वाले बॉम्ब ही काफी है। जनाब जनाब झुक जाइए, कहीं अपने आप को उड़ा ना दे। याला। बेटे आप कहां से हो और यहां कैसे पहुंचे? क्या खूब क्या खूब, अच्छा नाटक। एक काम करिए, इस बच्चे को लीजिए और चलते बनिए। बेटे आपका नाम क्या है? लगता है गुंगा है। अब जनाब आपको तो सब पता ही होगा, है ना?
ओ खोतिया दे पुत्र, अब जो बच्चा बोल नहीं सकता वो गूंगा ही तो होगा ना, ये तुम्हारे यहां उसे बहरा बोलते। बस करिए, अब कहीं एक और सीज फायर का उल्लंघन ना हो जाए हमसे। और कर भी क्या सकते हैं आप, छोड़े सब बातों को, आप ये फैसला कीजिए इस बच्चे का करना क्या है। इसी से पूछ लेते कि ये कहां से और जाना कहां चाहता है। सबसे पहले तो इसका नाम रखते हैं, मान ले तेरा नाम कश्मीर है। अब तू ये फैसला कर कि तू किस मुल्क का है और जाना कहाँ है। क्या खूब, क्या खूब जनाब, यहां भी सियासत। माना कि आपको कश्मीर बहुत पसंद है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर पसंद आने वाली चीज के ऊपर आप अपना हक जमा लेंगे। भले ही बंटवारे के वक्त इकबाल साहब आपके पास चले गए, लेकिन उनके लिखे शब्द कौन भूल सकता है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी बचा जहां में नामो निशान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ठीक है जनाब, कश्मीर का फैसला, मेरा मतलब इस बच्चे का फैसला करते हैं। सी आए पाकिस्तान, ही इंडिया, एंड यू कश्मीर। अब तू ये फैसला कर कि तुझे जाना किस तरफ है। वाह जनाब, छोटे से मासूम के हाथ में इतना बड़ा फैसला, दाद देनी पड़ेगी आपकी जनाब। एक दफा ये क्या कर रहे हैं जनाब आप, अगर इसने हिंदुस्तान बोल दिया तो? मुझे तो पता ही है ये इन हिंदुस्तानियों की चाल, अगर इसने हिंदुस्तान चुना तो ये वहीं चला जाएगा जहां से आया, लेकिन अगर इसने पाकिस्तान को चुना तो ये भी हमारा, कश्मीर भी हमारा। तो जनाब हो जाए फिर फैसला। बिल्कुल, देते हैं इसे दोनों मुल्क का झंडा, और जो झंडा इसने फहरा दिया उसी का कश्मीर। हम भी हमारी गश्त पूरी करके आते हैं और आप भी होके आइए। ठीक है, पर अगर इस बच्चे ने पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया ना तो ये फयाज गश्त पर अकड़ दिखाएगा, और सर वैसे भी बच्चा पाकिस्तानी है। मिश्रा जी, आसमान में चमकने वाली हर चीज सितारा नहीं होती, और ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हिंदुस्तानी हो, ये किसी भी देश का झंडा फहराए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत का झंडा हमेशा ऊंचा फहराना चाहिए। वाह जनाब, क्या तरकीब लगाई है, मान गए आपको। अब तो बस ये 2 घंटे गुजर जाएं जल्द से जल्द। ये फयाज और उनकी अकड़ कोई मायने नहीं रखते, एक बच्चे को उसकी पहचान मिल जाएगी, उसकी मां और मुल्क दोनों मिल जाएंगे, और इससे बड़ी कोई बात नहीं, और यही हमारा फर्ज है। क्यों जनाब, हो गई तसल्ली? जी बिल्कुल, और आप भी कर लीजिए तसल्ली जी भर के। दोबारा मत कहिएगा कि कौन सा मुल्क बेहतर है, और आज से ये रागल आप ना बंद कीजिए कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है।
वारे नन्हे शैतान, जिस बात को समझने में दोनों मुल्कों को इतने साल लग गए उसको तुमने यूं सुलझा दिया, शाबाश। जनाब, भलाई और अमन तो इसी ने जो ये बच्चा सिखा गया। सही कह रहे हैं आप। कुछ कदम तू बढ़ा, कुछ कदम मेरे भी हो, न बात तेरे मुल्क की हो न बात मेरे मुल्क की हो, फर्ज़े मोहब्बत का परचम लहरा जाए बस, फिर देख ये दुनिया हसीन तेरी भी हो हसीन मेरी भी हो।